तो चलिए जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एयर। अभी तक हमने हमने आई खत्म की थी। हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने आई तक कंप्लीट किया था, और आई के बाद हम उठाने जा रहे हैं एयर, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स हमारे पास दो थे वहां सिलेबस में, एक तो आई थी और उसके बाद एयर है। तो आज हम थोड़ा सा एयर का कुछ पढ़ेंगे। तो आई थिंक सारा कुछ तो नहीं, एक ही लेक्चर में एयर सारा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेक्चर जो ऑनलाइन होते हैं या जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं फिर फोन में भी। तो इसलिए आज हम लेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ ईयर, उसके बाद दूसरा पार्ट इंशाल्लाह कल हम लेंगे। तो होप कि सारे घर में अच्छे से हैं, खैरियत से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ईयर। अब ईयर जो है ये तो सेंस ऑर्गन है, ये सबको पता है कि जैसे आई है सेंस ऑर्गन, उसी तरीके से ईयर भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। और ये जो ह्यूमन ईयर है, बेसिकली हमें पढ़ना कौन सा ईयर है, ह्यूमन ईयर। जो ये ह्यूमंस का ईयर होता है, ये ह्यूमन ईयर सर्व करता है एज एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रांसड्यूसर, या जिसको हम कहते हैं अमेजिंग का एक और वर्ड निकलता है एस्टोंडिंग, एस्टोंडिंग ट्रांसड्यूसर ह्यूमन ईयर। ये एस्टोंडिंग ट्रांसड्यूसर है। एस्टोंडिंग का मैंने वर्ड लिख लिया है एस्टोंडिंग, एस्टोंडिंग मींस अमेजिंग, ठीक है, एस्टोंडिंग ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। अब देखो ट्रांसड्यूसर क्यों इसको कहा गया। नाउ ह्यूमन ईयर क्या करता है, ह्यूमन ईयर का क्या हम काम क्या है, हमें जो हम क्या सुनते हैं, सुनने की जो सलाहियत है वो बिकॉज ऑफ ईयर्स है। और ये जो सुनने की सलाहियत है बेसिकली, ये देखो कैसे होता है, साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुंच जाती है, उसके बाद ये साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद ये मैकेनिकल एनर्जी ये वेव, कंप्रेशनल वेव बन जाती है, और वो कंप्रेशनल वेव फिर जाके नर्व इम्पल्स क्रिएट हो जाता है, उसका जो कंप्रेशनल वेव होती है लास्ट में जो बनती है, तो लास्ट पर कंप्रेशनल वेव जनरेट क्या करती है, एक नर्व इम्पल्स जनरेट करती है, और वो नर्व इम्पल्स वाया नर्वस ब्रेन तक पहुंच जाता है, और वहां पर डिटेक्शन हो जाती है, प्रोसेसिंग हो जाती है, और हम कुछ चीजें सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये ईयर है ये एक एस्टोंडिंग ट्रांसड्यूसर है। अब एस्टोंडिंग ट्रांसड्यूसर क्या हो गया, मैंने भी बोला आपको कि व्हाट एस्टोंडिंग ट्रांसड्यूसर मींस। एस्टोंडिंग ट्रांसड्यूसर हम उस चीज को बोलते हैं जो बहुत ही अमेजिंग सा स्ट्रक्चर हो, जो अमेजिंग ट्रांसड्यूसर हो, ट्रांसड्यूसर मींस जो कुछ चीज ट्रांसफर करता। तो इसी तरह ईयर जो है ये भी एक ट्रांसड्यूसर है, बहुत ही अमेजिंग सा ट्रांसड्यूसर है। ये काम क्या करता है, ये साउंड एनर्जी को कलेक्ट करता है। इसका काम क्या है, कलेक्ट इज द साउंड एनर्जी, ये साउंड को कलेक्ट करता है। साउंड एनर्जी को हम एकॉस्टिक एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि द ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ एयर, विद द स्टडी ऑफ साउंड जो हम कहते हैं एकॉस्टिक्स। तो जो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी को कौन कलेक्ट करता है, इसका काम है ये साउंड एनर्जी को कलेक्ट करना, एयर का ही काम है। तो एयर जो है ये एक एस्टोंडिंग ट्रांसड्यूसर है जो कलेक्ट करता है, विच कलेक्ट, जो कलेक्ट करता है, किसको कलेक्ट करता है, एक तो कलेक्ट किसको करता है, साउंड एनर्जी को कलेक्ट करता है, उसके बाद इस साउंड एनर्जी को वो कन्वर्ट भी करता है, और उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद इस एनर्जी को वो ट्रांसफर भी करता है, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर ये एक ट्रांसड्यूसर है, ये कलेक्ट करता है साउंड एनर्जी को, उसके बाद साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट इसको करता है, कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कान हमारा, और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स वाइब्रेशंस, तो मैकेनिकल एनर्जी को उसके बाद क्या हो जाता है, ये नर्व इंपल्स क्रिएट कर देती है। मैकेनिकल एनर्जी उसके बाद किसमें कन्वर्ट होती है, उसके बाद नर्व इंपल्स में ये कन्वर्ट हो जाती है,
और जब ये नर्व इम्पल्स, अपने नर्वस सिस्टम में अभी तक पढ़ा है तो आपने देखा है कि न्यूरॉन्स के जरिए एक नर्व एक इम्पल्स जनरेट वो करते हैं, इम्पल्स वहां से उनके एक्सॉन्स के थ्रू रन होता है। तो इसी तरीके से जब मैकेनिकल एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हो गई किसमें, इनसाइड द ईयर, तो दैट मींस वाइब्रेशन, सर्टेन टाइप ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, साउंड एनर्जी वाइब्रेशंस अंदर कान के अंदर प्रोड्यूस करती है। तो वाइब्रेशंस क्या एक वेव बनाते हैं, वो कंप्रेशनल वेव जिसको हम कहते हैं, उसके बाद वो वहां पर क्या बनाती है, नर्व इम्पल्स बनाती है। तो जो ये नर्व इम्पल्स बन गया तो नर्व इम्पल्स कहाँ जाएगा, इट विल रन, इट विल गेट ट्रांसफर टुवर्ड्स द ब्रेन। तो ये ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन प्रोसेसिंग करता है उस नर्व इम्पल्स की, और वहां पर हम क्या कहते हैं, सुन पाते हैं वो आवाज क्या चीज है, ठीक है, व्हाट दैट साउंड वाज, वो साउंड एनर्जी क्या थी। तो ह्यूमन ईयर क्या है, ह्यूमन ईयर का कंसेप्ट देखो क्या है, ह्यूमन ईयर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा अमेजिंग स्ट्रक्चर है जो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, साउंड वेव्स जो है या साउंड एनर्जी आपका हो, क्योंकि साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है, तो साउंड एनर्जी या साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है हमारा कान, उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी के बाद वो क्या करता है, वो जनरेट करता है नर्व इम्पल्स, और ये नर्व इम्पल्स वाया नर्व्स कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द ब्रेन जाता है, जहां पर इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है और हम सुन पाते हैं। ये तो काम किसका है, ये तो काम हमारे कान का है। अब जो ये हमारा कान है, हम ह्यूमन ईयर जो है, ह्यूमन ईयर में तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, देयर आर थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं ह्यूमन ईयर में, द फर्स्ट पार्ट इज आउटर, आउटर ईयर, उसके बाद है मिडल ईयर एंड द इनर मोस्ट ईयर। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज नोन एज इनर ईयर, इंटरनल ईयर और इनर ईयर, इनर ईयर। तो ये तीन पार्ट्स ह्यूमन ईयर के, तीन पार्ट्स है, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर, आउटर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल और इनर ईयर, तीन पार्ट्स है। आपको दिखाई दे रहा है ये, यस गुड, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो तीन पार्ट्स किसके हैं, ईयर के तीन पार्ट्स हैं। अब देखो आउटर ईयर का काम क्या है, आउटर ईयर जो है, आउटर ईयर सर्व्स, ये किस काम को सर्व करता है, सर्व्स टू कलेक्ट, ये कलेक्ट किसको करता है, साउंड एनर्जी को कलेक्ट करेगा, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट साउंड वेव्स, या जिनको हम साउंड एनर्जी भी हम जिसको कहते हैं, कलेक्ट साउंड वेव्स, और जो ही ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है उसके बाद ये साउंड वेव्स को ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स द मिडल ईयर। तो आउटर ईयर सर्व्स टू कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड देन ट्रांसफर्स, और उसके बाद ये साउंड वेव्स को ट्रांसफर करता है एंड देन ट्रांसफर्स दीज वेव्स, दीज साउंड वेव्स टुवर्ड्स द मिडल ईयर, साउंड वेव्स को मिडल ईयर तक पहुंचाता है, साउंड वेव्स टू मिडल ईयर। तो ये तो काम है किसका, एक्सटर्नल, दैट मीन्स आउटर ईयर का। तो आउटर ईयर का काम आपको समझ आया कि आउटर ईयर काम क्या करता है, ये साउंड को कलेक्ट करता है, उसके बाद इस साउंड वेव को या एनर्जी को, कहो आप साउंड एनर्जी का हो, आप एकॉस्टिक एनर्जी का हो या साउंड वेव्स का हो, तो इन साउंड वेव्स को ये कलेक्ट करता है, उसके बाद इनको ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स मिडिल ईयर। अब देखो मिडिल ईयर क्या काम करता है, मिडिल ईयर जो है ये सर्व करता है, सर्व्स, सर्व्स टू, ये सर्व क्या करता है, ये इन साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इनटू इंटरनल वाइब्रेशंस में, सर्व्स टू ट्रांसफर या सर्वस्ट कन्वर्ट, पहले ये सर्व करता है, सर्वस्ट कन्वर्ट साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इंटू इंटरनल वाइब्रेशंस, इंटरनल वाइब्रेशंस,
तो ये इनको इंटरनल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है. दीज इंटरनल वाइब्रेशंस कैसे पॉसिबल है? दीज वाइब्रेशंस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर्स. जो बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एयर में, देयर आर थ्री ऑडिटरी ऑसिकल्स जिनको हम कहते हैं, थ्री बोन्स आर देयर. एक का नाम है ह्यूमरस, दूसरे का नाम है इंकस, एंड दैट मीन्स स्टेपीज, इंकस एंड ह्यूमरस. ये तीन है. ये तीन बोनस क्या करती है? ये तीन बोनस वाइब्रेट करती है. उस साउंड जो ही इन पर साउंड वेव जाती है, साउंड एनर्जी जाती है, उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होती है. तो वहां पर अंदर मिडल ईयर में क्या होता है, ये साउंड वेव्स कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल वाइब्रेशंस. और ये इंटरनल वाइब्रेशंस किसकी बात हो रहे थे? इंटरनल वाइब्रेशंस बिकॉज ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर. जो बोनी पार्ट होता है मिडल ईयर का, उन्हीं से ये इंटरनल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है. साउंड वेव्स कन्वर्ट हो जाती है इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशंस, इनटू मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है. दैट मींस वाइब्रेशंस, इंटरनल वाइब्रेशंस में ये कन्वर्ट हो जाती है. तो सर्व्स टू कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू इंटरनल वाइब्रेशंस. और जो ही ये इंटरनल वाइब्रेशंस क्रिएट वहां पर हो जाती है, देन मिडल ईयर अल्टीमेटली इन इंटरनल वाइब्रेशंस को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्रेशनल वेव. दीज इंटरनल वाइब्रेशंस देन अल्टीमेटली इंटरनल वाइब्रेशंस विच आर अल्टीमेटली, फिर आप यहां पर लिखना विच आर अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव. In the form of compressional waves towards inner ear ये compressional waves जाती है. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? क्या आपने पढ़ा अभी तक? मिडल ईयर का काम करता है, जो ही ये साउंड वेव्स जो कलेक्ट किसने की, एक्सटर्नल ईयर ने कलेक्ट की, उसके बाद इसको ट्रांसफर किया, इन साउंड वेव्स को ट्रांसफर किया टुवर्ड्स द मिडल ईयर. अब मिडल ईयर का काम क्या करता है? मिडल ईयर बना होता है कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स का अंदर. तो वो बोनी स्ट्रक्चर्स पर जो ही उन पर ये साउंड पड़ती है, तो वो बोनी स्ट्रक्चर्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उनमें वाइब्रेशन सेट हो जाती है. तो जो ही वो वाइब्रेशन वहां पर फॉर्म हो जाती है, तो उन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं कि दिस बिकम्स नाउ साउंड वेव हैज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. तो वो वाइब्रेशंस फिर अल्टीमेटली वो वाइब्रेशंस एक वेव की सूरत हाल में, वो वेव की सूरत हाल इख्तियार करते हैं. दैट वेव इज नोन एज कंप्रेशनल वेव. और वो कंप्रेशनल वेव मिडिल ईयर से थ्रू द फ्लूइड कहां जाती है? टुवर्ड्स द इंटरनल ईयर. इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है, उसी में वो एज अ कंप्रेशनल वेव जाती है. ठीक है, यहां तक कंप्रेशनल वेव कहां की तरफ जा गई है? इनर ईयर की तरफ. अब देखो इनर ईयर काम क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर ईयर? इनर ईयर काम क्या करता है? नाउ इनर ईयर, अब इनर ईयर में ये कंप्रेशनल वेव्स तो आ गई, अब इनर ईयर क्या करेगा? इनर ईयर इन कंप्रेशनल वेव्स को विद इन द फ्लूइड इनको कन्वर्ट करता है. जो इनर ईयर है वो इन कंप्रेशनल वेव्स को विद इन द इंटरनल ईयर फ्लूइड होता है. इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है, दैट्स नोन एज इंटरनल ईयर फ्लूइड. वो इस इंटरनल ईयर फ्लूइड में इस कंप्रेशनल वेव एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू नर्व इंपल्सेस. तो कंप्रेशनल वेव एनर्जी, ये जो कंप्रेशनल वेव एनर्जी पहुंच गई कहां पर? इनर ईयर में, इंटरनल ईयर में. ये कंप्रेशनल वेव एनर्जी विद इन इनर ईयर फ्लूइड इनर ईयर क्या करता है? वो ट्रांसफॉर्म करता है. इनर ईयर विल ट्रांसफॉर्म, वो इसको कन्वर्ट करेगा. कंप्रेशनल वेव एनर्जी जो है, दिस कंप्रेशनल वेव एनर्जी को वो इनसाइड द इनर ईयर फ्लूइड कन्वर्ट करेगा इनटू नर्व इंपल्स. किसमें कन्वर्ट इसको करेगा? नर्व इंपल्स में इसको कन्वर्ट करेगा.
तो ये नर्व इंपल्स में जब ये कंप्रेशनल वेव एनर्जी कन्वर्ट हो गई इनटू नर्व इंपल्स, ये नर्व इंपल्स कहाँ जाएगा? दिस नर्व इंपल्स विल गेट ट्रांसफर टुवर्ड्स द ब्रेन. तो नर्व इंपल्स कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा. इट गेट्स ट्रांसफर टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन में आपको पता ही है प्रोसेसिंग हो जाती है. ऑडिटरी जो सेरेब्रम के लोब्स है, ऑक्यूपिटल लोब हो, टेम्पोरल लोब. तो टेम्पोरल लोब मैंने किसके लिए कहा था? टेम्पोरल लोब जो होता है मेमोरी एज वेल एज फॉर ऑडिटरी फंक्शंस जो होती है वो टेम्पोरल लोब में होती है. तो टेम्पोरल ब्रेन के सेरेब्रम के टेम्पोरल लोब में ये इंफॉर्मेशन जाएगी, वहां पर प्रोसेस होके आएगी और हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये हमने क्या चीज सुनी है. ठीक है, तो यहां तक तो ये तो अभी स्टार्टिंग है ईयर की. तो मैंने तीन पार्ट्स इसके कहे अभी कि ये बेसिकली काम क्या करते हैं दीज पार्ट्स ऑफ द ईयर. अब देखो स्ट्रक्चर, ईयर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर पर हम जाएंगे. डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो हमें थोड़ा सा पढ़ना है इसका. तो ईयर, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर पर जाएंगे तो पहले हम लेंगे आउटर ईयर. आउटर ईयर, आउटर ईयर जो है, आउटर ईयर को हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ईयर. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज द आउटर ईयर. अब इस आउटर ईयर को हम क्या कहते हैं? आउटर ईयर इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल ईयर. इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर भी हम इसको कहते हैं. और ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है, दिस एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट्स ऑफ, इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये कंसिस्ट हुआ होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सटर्नल ईयर. अब देखो ये एक्सटर्नल ईयर है, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर. ये अंदर जाके अभी एक्सटर्नल ईयर है. ठीक है, इट कंसिस्ट इज ऑफ, ये किसका बना होता है? इट कंसिस्ट इज ऑफ पिना. पिना, दिस इज द पिना. ये जो ये हमारा ये होता है, दिस पिना. तो पिना को हम एयर भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ पिना, इसमें पिना होता है एंड और एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स. एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स या आप ईयर कैनाल भी इसको कहते हैं. दिस इज नोन एज ईयर कैनाल. तो ईयर कैनाल, तो ये जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर को हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं. और ये एक्सटर्नल ईयर जो होता है, ये बना होता है पिना का. दिस इज द पिना, जिसको हम ईयर कहते हैं. एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स, और अंदर ये जो है, दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मैट्स. इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मैट्स कहते हैं या ईयर कैनाल भी कहते हैं. अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स होता है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स, ये लाइन, ये बना होता है. ये एक्सटर्नली किसका बना होता है? सिकिन का बना होता है, लाइनड विद सिकिन. और ये जो सिकिन का बना होता है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स जो है, यहां पर मैं ये पॉइंट लिखूंगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स. ऑडिटरी मैटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स इज हैविंग या इज लाइनड बाय सिकेन. इज लाइनड बाय सिकेन, ये लाइन होता है किससे? दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स इज लाइनड बाय सिकेन. ये सिकेन से लाइन हुआ होता है. और इस सिकेन में इज दिस सिकिन, ये जो सिकिन लाइनेड बाय सिकिन विद, इस सिकिन में बहुत सारे न्यूमरस मॉडिफाइड क्यूरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं. लाइनेड बाय सिकिन हैविंग न्यूमरस, इसमें न्यूमरस मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इसमें, इस सिकिन में जो लाइन करता है ऑडिटरी मैटर्स को. इस सिकिन में मॉडिफाइड, बहुत सारे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम सिरुमिनस सिरुमिनस ग्लैंड्स कहते हैं. सिरुमिनस ग्लैंड्स, दीज आर नोन एज सिरुमिनस ग्लैंड्स.
और ये जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जिनको हम सिरोमेनस ग्लैंड्स कहते हैं, दीस सिरोमेनस ग्लैंड्स दे विल सेक्रेट, ये सेक्रेट करते हैं, क्या सेक्रेट करते हैं, सीरम, दे विल सेक्रेट द सीरम। तो ये सेक्रेट क्या करते हैं, दीस सिरोमेनस ग्लैंड्स विल सेक्रेट, यहां पर लिखूंगा सिरोमेनस सिरोमेनस ग्लैंड्स, ये सिरोमेनस ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करते हैं, दे विल सेक्रेट द सुरुमेन, सुरुमेन, ये सुरुमेन सेक्रेट करते हैं। नाउ दिस सुरुमेन इज नोन एज वैक्स, एयर वैक्स, इसको हम एयर वैक्स भी कहते हैं, सुरुमेन इज नोन एज एयर वैक्स। तो एयर वैक्स जो है, एयर वैक्स कहां से आता है, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स कहां पर होते हैं, ये जो ऑडिटरी मैटस, दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मैटस होता है, इस ये लाइन हुआ होता है सिकिन से, लेकिन उस सिकिन में बहुत सारे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और वो जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इनको हम सिरोमेनस ग्लैंड्स कहते हैं, और ये सिरोमेनस ग्लैंड्स क्या करते हैं, दे सेक्रेट द वैक्स, ये वैक्स को सेक्रेट करते हैं, जिसका नाम क्या है, सिरोमेन भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है आपको, गुड। अब देखो इसकी एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल एयर है इसकी फंक्शन क्या है, ये तो मैंने इसका अभी स्ट्रक्चर आपको बोल दिया। अब देखो एक्सटर्नल एयर काम क्या करता है, एक्सटर्नल एयर इट कलेक्ट्स, ये कलेक्ट किसको करता है, इट कलेक्ट इज द साउंड एनर्जी, ये कलेक्ट किसको करता है, साउंड एनर्जी को ये कलेक्ट करता है, साउंड एनर्जी को हम एकॉस्टिक एनर्जी भी कहते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी उल्टा शुल्टा है। तो इट कलेक्ट इज द साउंड एनर्जी, जो एक्सटर्नल एयर है ये किसको कलेक्ट करता है, ये साउंड एनर्जी को कलेक्ट करता है, और इस साउंड एनर्जी को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है टवर्ड इज द, कहां पर ये ट्रांसफर इसको करेगा, ये इसको ट्रांसफर करता है टवर्ड द हैपनियम, कहां ट्रांसफर इसको करता है, टुवर्ड्स द हैपनियम, इट कलेक्ट इज द साउंड एनर्जी एंड ट्रांसफर्स, एंड ट्रांसफर्स इट टुवर्ड्स एयर ड्रम। अब देखो यहां पर एयर ड्रम आ गया, ये एयर ड्रम क्या चीज है, अब एक्सटर्नल एयर का तो ये समझ आ गया हमें कि नहीं ऑडिटरी मैटस है, पिना है, या इसका काम क्या है, ये कलेक्ट साउंड एनर्जी को करता है, तो यूथियम साउंड एनर्जी कलेक्ट कर करे एक्सटर्नल एयर एंड पुट योर साउंड एनर्जी करंट ट्रांसफर, यूथी कूद करे ट्रांसफर टुवर्ड्स द एयर ड्रम। नाउ एयर ड्रम क्या, व्हाट एयर ड्रम इज, तो एयर ड्रम ऐसे होता है भाई, ऐसे एक स्ट्रक्चर है ये एयर ड्रम, देखो एयर ड्रम क्या है, ये एयर, दिस एयर ड्रम इट इज द बाउंड्री बिटवीन द मिडल एयर एंड एक्सटर्नल एयर, बाउंड्री, इट एक्ट एज अ बाउंड्री, एयर ड्रम एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन एक्सटर्नल एयर एंड मिडल एयर, एक्सटर्नल एयर एंड मिडल ईयर, तो मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के दरमियान एक बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज नोन एज एयर ड्रम। अब ये जो एयर ड्रम है, एयर ड्रम बना होता है, दिस एयर ड्रम इज मेड अप ऑफ थिन ट्रांसल्यूसेंट कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, ये बना होता है थिन ट्रांसल्यूसेंट कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन का, इट इज मेड अप ऑफ, दिस एयर ड्रम इज मेड अप ऑफ थिन ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसमें लाइट पास नहीं होती है, दैट इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, नो दैट इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट में लिटिल बिट, हाफ पार्शियली लाइट पास होती है, एक तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक, ओपैक में तो लाइट ट्रांसपोर्ट ये पास नहीं होती है, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट में पार्शियली लाइट पास होती है, तो दिस इज थिन ट्रांसल्यूसेंट, दिस एयर ड्रम इज मेड अप ऑफ थिन ट्रांसल्यूसेंट कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन का ये बना होता है।
कनेक्टिव टिश्यू मेमोरी. व्हाट इज द ईयरड्रम? इट्स अ थिन ट्रांसल्यूसेंट कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन जो एक्ट करता है एज अ बाउंड्री बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर. ये बाउंड्री एक्ट करता है बिटवीन द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर. यहां तक क्लियर है आप? गुड. तो अब देखो ये जो थिन ट्रांसल्यूसेंट कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है दिस ईयर ड्रम इज एक्सटर्नली. अगर हम एक्सटर्नली देखें तो एक्सटर्नली दिस ईयर ड्रम इज कवर्ड बाय सिकन. वो एक्सटर्नली ईयर ड्रम किससे कवर हुआ होता है? इट इज कवर्ड बाय सिकन. एक्सटर्नली एक्सटर्नली तो एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय सिकन. और इंटरनली तो एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय सिकन बट इंटरनली इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोसल लेयर्स. तो इंटरनली इट इज हैविंग म्यूकोसल लाइनिंग और म्यूकोसल लेयर्स. तो म्यूकोसल म्यूकोसा का ये अंदर अंदरूनी किसका बना होता है? म्यूकोसा का ये अंदर से म्यूकोसा का बना होता है. तो मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ाई है तो म्यूकोसा सब म्यूकोसा ये मैंने आपको सारा पढ़ाया है. ठीक है ना? सर्क्यूलर मसल लॉन्गिट्यूडनल मसल. तो इंटरनली ये जो इंटरनली ये किसका बना होता है? इंटरनली ये म्यूकोसा का बना होता है. ठीक है? व्हाइल एज एक्सटर्नली ये कवर किसका होता है? सिकिन का. इस पर एक सिकिन का कवर होता है एक्सटर्नली. और हम इसको क्या कहते हैं? इट इज सिंपली ये जो बना होता है बेसिकली थिन ट्रांसल्यूसेंट कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स का ये बना होता है. तो बाहर से सिकिन है अंदर से म्यूकोसल म्यूकोसा का ये बना होता है. ना देखो क्या है. तो जो ही ये एक्सटर्नल ईयर साउंड को कलेक्ट करता है उसके बाद ये साउंड को ट्रांसफर करता है. किस पर ट्रांसफर इसको करेगा? नाउ द एक्सटर्नल ईयर ट्रांसफर्स दिस साउंड एनर्जी टुवर्ड्स द ईयर ड्रम. जो ही इस पर साउंड एनर्जी आ गई ये साउंड वेव्स इस ईयर ड्रम पर आ गए. अब ईयर ड्रम क्या है? ये बिटवीन द मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के दरमियान एक बाउंड्री है और ये मेम्ब्रेन्स का बना होता है कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स का बना होता है. और जो ही इस पर साउंड वेव्स आ जाती है तो साउंड एनर्जी जो ही इस पर आ जाती है तो ये वाइब्रेट करता है. ठीक है? और जब ये वाइब्रेट करता है तो ये वाइब्रेशन के दौरान ये उस साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर. व्हाट ईयर ड्रम डज? ईयर ड्रम क्या करता है? ईयर ड्रम को हम थैम्पेनियम भी बोलते हैं. ईयर ड्रम को हम क्या बोलते हैं? थैम्पेनियम. थैम्पेनियम मेम्ब्रेन. ईयर ड्रम इज नोन एज थैम्पेनियम मेम्ब्रेन. जब हमने डाइवर्सिटी पढ़ी है तो मैंने कहा था कि थैम्पेनियम मेम्ब्रेन्स कुछ इनवर्टेब्रेट्स में था. ये इनवर्टेब्रेट्स में नहीं, जैसे कि एम्फीबियंस में थैम्पेनियम मेम्ब्रेन ईयर के बजाय एक्सटर्नल पिना नहीं होता है बट देयर इज अ थैम्पेनियम मेम्ब्रेन. तो ईयर ड्रम को थैम्पेनियम मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये जो थैम्पेनियम मेम्ब्रेन है ईयर ड्रम क्या करेगा? अब ईयर ड्रम जो ही इस पर साउंड वेव्स साउंड एनर्जी आ जाती है नाउ इट विल ट्रांसफर दीज साउंड वेव्स और साउंड एनर्जी टुवर्ड्स साउंड एनर्जी को ये कहां भेजेगा? साउंड एनर्जी या वेव्स को ये कहां भेजेगा? टुवर्ड्स द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर. बोनी स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर. तो दैट मीन्स बोनी स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर. बोनी स्ट्रक्चर मैंने कहा कि मिडल ईयर में एक कंपार्टमेंट होता है बोनी का. बोनी सेक्शन होता है वहां पर. तो उस बोनी कंपार्टमेंट वो तीन बोन्स का बना होता है. ह्यूमरस है, मैलस है, इंकस है, स्टब. ये यही है मैलस इंकस स्टबस. ये तीन बोन्स उसमें होती है. तो ये वहां पर एक लिवर लाइक सिस्टम बनाती है या बोनी स्ट्रक्चर बनाती है. तो जो ही इस पर साउंड एनर्जी आ जाती है ईयर ड्रम से जो ही साउंड एनर्जी उन पर जाती है तो ये बोनी स्ट्रक्चर जो है ये जो बोन्स होती है ये बोन्स वाइब्रेशन इनमें वाइब्रेशन सेट हो जाती है. ठीक है? तो वाइब्रेशंस वो प्रोड्यूस करती है. तो साउंड एनर्जी बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द मिडल ईयर एंड इट विल सेट दीज बोन्स जो द साउंड एनर्जी विल सेट दीज बोन्स इनटू वाइब्रेशंस और ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? गुड.
अब देखिए ये तो एक्सटर्नल ईयर था, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर जो है ये एक ईयर फिल्ड कैविटी है, जो टेम्पोरल बोन जो है, दिस टेम्पोरल बोन में एक ईयर फिल्ड कैविटी है। तो दिस ईयर फिल्ड कैविटी इज नोन एज मिडिल ईयर। तो व्हाट इज मिडिल ईयर? मिडिल ईयर इट इज एन ईयर फिल्ड कैविटी, इट इज एन ईयर फिल्ड कैविटी, ईयर फिल्ड कैविटी इनसाइड द टेम्पोरल बोन या इन टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में एक ईयर फिल्ड कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज मिडिल ईयर। अब ये जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट हुआ है बाय द टाइम्पनियम, बाय द ईयर ड्रम। मिडिल ईयर इज सेपरेटेड, मिडिल ईयर किससे सेपरेट हुआ है? एक्सटर्नल ईयर से, सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के दरमियान एक बाउंड्री थी, उस बाउंड्री का नाम क्या है? ईयर ड्रम और टाइम्पनियम मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम लिखेंगे मिडिल ईयर इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय टाइम्पनियम मेम्ब्रेन। टाइम्पनियम मेम्ब्रेन सबको पता है क्या है? टाइम्पनियम मेम्ब्रेन मींस ईयर ड्रम, ठीक है। ये तो मिडिल ईयर इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय टाइम्पनियम मेम्ब्रेन, एंड मिडिल ईयर सेपरेट हुआ है इनर ईयर से, इंटरनल ईयर से भी ये सेपरेट हुआ है बाय द बोनी पार्टीशन, एंड इट इज मिडिल ईयर इज आल्सो सेपरेटेड। तो मिडिल ईयर आल्सो सेपरेट हुआ है फ्रॉम इंटरनल ईयर, इनर ईयर मींस इंटरनल ईयर बाय अ बोनी पार्टीशन। तो बोनी पार्टीशन बिटवीन द मिडिल ईयर एंड पार्टीशन भाई, बोनी पार्टीशन। देखो इनर ईयर, और अगर मैं यहां पर बना दूं थोड़ा सा, दिस इज द इनर ईयर, इसको हम कोचला कहते हैं, ये इनर ईयर है। ये जो इनर ईयर है, इनर ईयर यहां पर है, जिसको कोचिला हम कहते हैं। तो यहां पर देखो, दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, ये ईयर है, और इस ईयर से यहां आती है ऑडिटरी कैनाल। ये ऑडिटरी मैटस है, दिस इज द ईयर, ये ईयर का स्ट्रक्चर देखो, ये एक्सटर्नल ईयर है, दिस इज एक्सटर्नल ईयर, ये वाला मिडल ईयर है, एंड दिस इज इनर ईयर। यहां पर ये क्या है? ये टाइम्पनियम है, दिस इज टाइम्पनियम, और यहां पर ये बोनी स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द बोन्स, और ये ऑडिटरी कैनाल है, दिस इज ऑडिटरी कैनाल, और ये कोलचा है, कोलचा, ठीक है, इनर ईयर। अब देखो यहां पर, तो इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर भी सेपरेट हुए हैं बाय अ पार्टीशन,
known as a bony partition. अब यहाँ पर ये bony partition ये internal ear और middle ear को separate कर देती है. अब ये जो bony partition है, bony partition में दो openings होती है. There are two openings in the bony partition जो internal ear तक पहुँचती है. तो bony partition it is having two openings. इसमें क्या है? दो openings होती है. Two openings. Bony partition में दो openings है. ये दो openings कहाँ तक run करती है? Internal ear में, inner ear में ये दो openings जाती है. तो जहाँ से ये vibrations फिर inner ear में पहुँच जाती है. अब देखो, यहाँ पर हम जाते हैं. ये तो middle ear यहाँ तक था. अब देखो, middle ear जो है, मिडिल ईयर ओपन होता है इन द नैसोफ्रेंक्स रीजन में. कहां पर ओपन होता है? नैसोफ्रेंक्स. मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर होता है, इट ओपनस इन द नैसोफ्रेंक्स रीजन. इट ओपनस इन नैसोफ्रेंक्स, नैसोफ्रेंक्स रीजन. तो नैसोफ्रेंक्स रीजन में कैसे ओपन होता है? नैसोफ्रेंक्स तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, फारिंक्स का पहला वाला पार्ट, दैट इज नोन एज नैसोफ्रेंक्स. मैंने कहा था कि जो ईयर से ऑडिटरी कैनाल्स जाती है, ऑडिटरी कैनाल्स, दीस ओपनिंग्स, तो ये कहां पर? फैरिंक्स, नैसोफैरिंक्स के जो वॉल्स है, नैसोफैरिंक्स की जो वॉल्स है, वहां पर दो ओपनिंग्स होती है, साइड से दो ओपनिंग्स जाती है. और कहां तक वो जाती है? टुवर्ड्स द मिडल ईयर. तो दोज ओपनिंग्स आर नोन एज एस्टाचियन कैनाल्स और ऑडिटरी कैनाल्स. तो मैं कहूंगा इट ओपनस इन द नैसोफैरिंक्स वाया या बाय एस्टाचियन कैनाल्स और इसको हम कहेंगे ऑडिटरी कैनाल्स. तो ऑडिटरी कैनाल्स जो है, ये ऑडिटरी कैनाल्स कहां से जाती है? ये मिडिल ईयर से जाती है और कहां तक पहुंचती है? नैसोफ्रेंक्स के वॉल्स पर ये ओपन हो जाती है. अब ये जो ऑडिटरी कैनाल्स है, ये क्यों है? ये एस्टाचियन कैनाल्स, एस्टाचियन वाल्व्स क्यों है? देखो, इससे क्या हो जाता है, ये कैनाल जो जाती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एयर एंड दिस इज द ऑडिटरी मैटस. एंड यहां पर क्या है? दिस इज टाइम्पेनियम एंड दिस इज द ऑडिटरी कैनाल. और यहां पर बोन्स लगी है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द बोन्स. ये बोन्स है और ये बोनस फिर कहां जाती है? इंटरनल ईयर में, कॉलिजन. अब देखो, ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ये कहां तक जाएगी? ऑडिटरी कैनाल विल मूव टुवर्ड्स द नैसोफैरिंक्स. ये नैसोफैरिंक्स में जाएगी. अब ये नैसोफैरिंक्स में क्यों जाती है? ये ऑडिटरी कैनाल ये नैसोफैरिंक्स में क्यों जाती है? मिडिल ईयर से नैसोफैरिंक्स में जाती है. सो दैट, देखो, ये कैनाल पहले क्लोज होती है, यूजुअली ये क्लोज होती है. ये क्या होती है? इसकी ओपनिंग जो होती है वो बंद होती है. लेकिन During swallowing of food, during yawning, it is zam nishkara. Yawning or during chewing, या कभी हम chewing, food को chew करते हैं. Swallowing हो, chewing हो, या yawning हो, उस दौरान ये जो auditory canal है, ये जो eustachian canals है, ये open हो जाती है. Open क्यों हो जाती है? So that जो middle ear का जो pressure है, जो middle ear में pressure है, वो इक्विलिब्रेट हो जाए, वो इक्विलिब्रम में रह जाए. एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर, एक्सटर्नल एयर के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दैट मींस ये जो थैम्पेनियम है, ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के दोनों साइड, मिडिल ईयर के साइड और एक्सटर्नल ईयर के साइड जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रम में रहना चाहिए. ठीक है, तो उसी लिए ये ऑडिटरी कैनाल्स जो है, ऑस्टेचियन कैनाल जो है, ये नैसोफैरिंक्स तक जाती है. सो दैट The pressure inside the middle ear should always be in equilibrium with the atmospheric pressure. तो atmospheric pressure के साथ middle ear का pressure equilibrate होना चाहिए, इसीलिए ये nasopharynx तक जाती है. तो यहाँ तक आपको clear है? अब देखो, ये जो middle ear है, middle ear में तीन ossicles होते हैं, auditory ossicles जिनको हम कहते हैं. ये auditory ossicles जो है, जिसको ऑडिटरी ऑसिकल्स, जिनको हम मैलस इंकस ऑफ स्टेप्स कहते हैं. थ्री ऑडिटरी ऑसिकल्स
थ्री ऑडिटरी ओजैक्मल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मिडिल ईयर. कौन कौन सा? मैलस, इंकस एंड स्ट्रपस. मैलस, इंकस एंड स्ट्रपस, दीज आर द बोन्स. ये तीन, ये बोनी स्ट्रक्चर बनाती है, बोनी कंपार्टमेंट बनाती है इनसाइड ऑफ मिडिल ईयर. मैलस, इंकस एंड स्ट्रपस. अब इनका नाम किस बुनियाद पर दिया गया है? इनका नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक. ये कैसे लुक करती है? ठीक है, मैलस इट इज जस्ट लाइक हैमर, ये जस्ट लाइक हैमर है. इंकस इट इज जस्ट लाइक एनिमल. एनिमल आपको पता है क्या होता है? एनिमल ऐसा होता है, ऊपर से फ्लैट है और यहां देखो, दिस इज एनिमल. यू शुड खार निशासन, यह पे शिष्टर शिवम दागना, दिस इज एनिमल. ठीक है, और हैमर आपको पता ही है, जिसे मारते हैं, दिस इज द हैमर. हैमर, हैमर हथौड़ा, क्या इसको हथौड़ा ही बोलते हैं? हाँ. स्ट्रपस, अब देखो स्ट्रपस क्या है. स्ट्रपस आपने देखा होगा, जब हम घोड़े की सवारी करते हैं तो तमिशो उसमें जीन पैट, तब जीन उस बन के नासे निकल क्या सिर्फ फॉर नालान किम, क्या कुछ ऐसा ही बोलते हैं. दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्ट्रप्स. तो हैमर, एनिमल और स्ट्रप्स जो है, तो इन्हीं चीजों पर इनका नाम दिया गया. मैलस, इंकस और स्ट्रपस जो है, दीज आर जस्ट लाइक एज हैमर, एनविल और दैट स्टर, जो स्टायर अप है उसी के हिसाब से इनकी शेप होती है, तो इनका नाम भी उसी तरीके से दिया गया है. तो जो ही इन पर साउंड वेव्स आ जाती है तो ये तीनों क्या हो जाती है? देखो मैलस जो होती है, मैलस ये कनेक्ट हुई होती है हैमर के साथ. दिस इज टाइम्पेनियम, ये एयर ड्रम है. अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये मैलस है, मैलस इज अब कुछ ऐसी ही होती है. This is incus and this is strepus. This is strepus. ये strepus है, ये incus है और ये मैलस है. तो मैलस किसके साथ कनेक्ट होती है? थैम्पेनियम के साथ कनेक्ट होती है. दिस इज थैम्पेनियम, एयर ड्रम के साथ कनेक्ट होती है, और उसके बाद इंकस होती है, और उसके बाद स्ट्रपस होती है. और स्ट्रपस किसके साथ लास्ट में कनेक्ट होता है? ये इंटरनल एयर के साथ कनेक्ट होता है, कोलचा. ठीक है, स्ट्रपस. अब देखो जो ही इस पर साउंड वेव्स आएंगी, साउंड वेव्स ट्रांसफर हो जाएंगी टुवर्ड्स द दिस बोनी कंपार्टमेंट ऑफ द ईयर, मिडिल ईयर. तो इनमें वाइब्रेशंस आ जाती है, तो ये वाइब्रेशंस फिर एक वेव बनाती है, कंप्रेशनल वेव. और वो कंप्रेशनल वेव टुवर्ड्स द इनर ईयर, दैट इनसाइड द इनर ईयर देयर इज अ फ्लूइड, उसमें वो फ्लूइड में घुस जाती है और वहां पर वो क्या हो जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वो वहां पर नर्व इंपल्स वहां पर क्रिएट हो जाता है और फिर वो ब्रेन की तरफ चली जाती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर के बारे में था. तो आज का लेक्चर अभी हमारा यहीं तक है, मिडिल ईयर तक मैंने आपको आज पढ़ाया. एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द विद इनर ईयर. तो इनर ईयर से हम आगे चलेंगे. तो किसी को भी कंफ्यूजन होगा, दे कैन मैसेज मी. चलिए जी.